पे मालकी। कैसा फील कर रहे हो बहू आ गई है घर पे? बहुत अच्छा लग रहा है। तो मेरी क्या बात है, आपकी पहले ही आ जाए। तो बड़े परेशान है बेचारे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और ये सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। मैं इधर ही बता देता हूँ, भाभी अच्छी दिख रही है ज्यादा। ओके, ये शादी पे इतना करमोल पड़ा, करमोल यू नो, इतना क्योस पड़ा कि मैं सोच रहा हूँ मैं शादी ऐसे ही कर। देखो आप उतरो भी अब बाहर, हैंड ब्रेक अच्छे से लगाना ठीक है। ये देखो पहले पहुंचो फिर कार्ड निकालना ऐसे। ये ठीक है, ये दुख होता है देख के। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू द चैनल। तो भाई साहब रात को मैंने वीडियो ऐसे ही खत्म कर दी थी बिकॉज मेरे को इतनी नींद आ रही थी, मैं जहां बैठता था वहीं सो जाता था। पहले मैं गाड़ी में बैठा वहीं सो गया। आज हमारा शादी का लास्ट डे है, रिसेप्शन है और मुझे जो वीडियो है एडिट करनी है। कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि एक दिन का गैप ऑलरेडी है और सोच रहा हूँ कि एक दिन की और वीडियो डल जाए तो अच्छा है। तो एक बार ही आपको ना बाहर मिलवा देते हैं सबसे। दूल्हे राजा, हाँ जी ठीक हो? क्या बात है, खुशी की सीमा कोई नहीं है। तरह का सीन है बाहर, ये तो आपने पहले ही देखा था। आज जो रिसेप्शन होनी है उसके लिए जो है टेंट वेंट जो है लग चुका है, धुंध अभी तक हटी नहीं है पूरी तरह से। पे मालकी बन गई हो, कैसा फील कर रही हो? अच्छा, है खुशी, खुशी की लहर है और अच्छा और कुछ बोलना है? नहीं कुछ नहीं, अभी अभी बिजी जा रहे हैं। बाकी यहाँ पे आपको मैं खाने का दिखा देता हूँ। मुझे कोई आइडिया नहीं है कितनी चीजें लगानी है क्या है, लेकिन काफी सारी लग रही है मुझे देख के। मतलब आप देख रहे हो ये टिक्की समझ में आ रही है, वो कुछ सब्जी सब्जी है, पता नहीं क्या क्या है सारा देख रहे हो। काफी सारे लोग भी है, हलवाई भी है, टेंट जो है हमने वहाँ बीच में लगाया हुआ है। तो चलिए ठीक है, मैं भी एडिट करता हूँ। बाकी भाभी अभी घर पे है नहीं है, पार्लर गए हुए। बाकी कल क्या है कि चाचू की गाड़ी लेकर ही गया था मैं, गुड़िया का जो काम था एडमिशन उसका हो चुका है। ओके बाय बाय। तो गाइस फिलहाल क्या है कि वीडियो मैंने जो है रेंडर पे लगा दी है, अभी एक छोटा सा काम पड़ गया। तो ऐसा है ना, शादी में बहुत सी छोटी छोटी चीजें होती रहती है। तो अभी क्या है कि रेडी हुआ आप अभी तक? कल का जैसा मैं आपको बता रहा था ना, शिजेन की शादी के काम इतने खतरनाक होते हैं ना। आ रहे तो फिलहाल मसला क्या हो गया, जो कोयला चाहिए था हमें तंदूर के लिए वो भेजा नहीं इन्होंने, दूसरा भेज दिया। तो अभी हम जा रहे हैं कोयला लेने, अभी जा रहे हैं। तो ये दिक्कत है, एक तो वो रोड थोड़ा सा खराब है तो मेरी गाड़ी वहाँ पे चली जाएगी और उसके बाद हमारी गाड़ी में स्पेस अच्छा खासा है। कितना कोयला, कितना? दो बोरे होगा, तीन? एक बोरा। अच्छा एक बोरा है। जैसे शहर में आपको सिर्फ पैसा चाहिए और सब काम हो जाएगा, लेकिन गाँव में ऐसा नहीं होता। आपके पास पैसा चाहे जैसा भी हो, लेकिन आपको काम सारे जो खुद है रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ वो करने ही पड़ते हैं। ये वो रास्ता है, तो अगर यहाँ पे छोटी गाड़ी हो ना तो उसके टायर एक बार स्पिन कर जाए तो बहुत दिक्कत हो सकती है। हालांकि स्पिन करने को इसके भी कर सकते हैं, वो बात नहीं है, लेकिन अगर 4x4 लगा ले तो उतनी दिक्कत नहीं आएगी। जैसे अभी भी ये काफी स्मूथली जा ही रही है। इसलिए पीछे बॉटल्स भी हैं, तो बचा क्या करना है। बॉटल्स हमने ऐसे घुसा दिया, इसको रख दिया। अभी कह रहे कि कोयले से चालक निकलेगी तो बोतल हमारी खराब हो जाएगी। नहीं होगी खराब। घर पहुंच चुके हैं, अब मैं भी रेडी वेडी हो जाता हूं क्योंकि लोग जो है ना वो शुरू हो गए आना। सब लोग आ चुके हैं, 12:30 का टाइम है और मैं अभी तक नहाया भी नहीं हूं, रेडी भी नहीं हूं, तो फटाफट से रेडी होते हैं। छत पे आ गया हूं क्योंकि नीचे काफी ज्यादा लोग हैं और फिर सबके सामने कैमरा से शूट करना, मतलब अभी तक तो ठीक चल रहा था बट अब मेरे को थोड़ा सा ऑकवर्ड लग रहा है। बाकी आपको मैं ऊपर से रोनके दिखा सकता हूँ। वहाँ हमने पार्किंग के लिए जगह बनाई थी, वहाँ भी गाड़ियाँ हैं, यहाँ भी गाड़ियाँ हैं और इवन की वहाँ रोड पे भी गाड़ियाँ हैं। बाकी यहाँ से भी आप देख रहे हो काफी सारे लोग आ चुके हैं टेंट वेंट का। तो चलो जो भी होगा दिखाऊंगा आपको, कोशिश करूंगा बिकॉज मैं लड़के का भाई हूँ तो मैं कैमरे में अपनी ही वो करता रहूँ और किसी से अच्छे से ना मिल पाऊँ वो चीज़ नहीं होती, क्योंकि इससे पहले पहले जो भी था वो सारा फैमिली के साथ ही था। तो इतनी देर से कंटिन्यूसली आपको साउंड आ रही होगी तो कॉपीराइट का भी इशू हो जाएगा। रिसेप्शन जो है शुरू हो चुकी है, मैं काफी लेट हो गया हूँ तो चीजें पता नहीं मुझे क्या क्या बना हुआ है क्योंकि कंटिन्यूसली म्यूजिक की साउंड आ रही है। फिर इसे बंद करवा दूंगा, वो भी अच्छा नहीं लगता बार बार। अपना ही घर ऐसा लग रहा है। चाची चाची क्या हाल चाल है, ठीक हो? कुछ बोलना चाहोगे? बच्चे बहुत खुश हैं, आज हमारी बहू आ गई है, ऐसे बड़ी खुशी की बात और कौन सी हो सकती है। ठीक है, अच्छा हाँ जी ठीक हो? और सुनाओ, ठीक है बढ़िया सब? ये दीदी भी आ चुकी हैं। जीजा जी कहाँ पे पहले बताओ? जीजा जी घर पे। बेसिकली मसला ये है कि उनको छोड़कर अकेले ही आ गई हैं, यही बात है ना? भी आ रहे हैं। मामी एंड बूजी दोनों डिस्कशन करनी है। और बूजी आपने बारात के दिन साड़ी नहीं पहनी? पर आज पहनी है, उस दिन ठंड थी इसलिए। अच्छा अच्छा, कैसा फील कर रहे हो? बहू आ गई है घर पे, बहुत अच्छा लग रहा है। तो अब आपकी बारी कब है? हमारी बारी बस नेक्स्ट, हमारी ही है मेरी। उसके बाद क्या पता, उसके बाद क्या पता आपकी पहले ही आ जाए। नहीं नहीं मेरे को कोई जल्दी नहीं, मैं अपना टाइम लेके करूंगा। एक्साइटेड होना पड़ता है ना, खुशी की बात है। अब हमारा ही नंबर है तो ये देख सकते हैं। मम्मी काफी बिजी लग रही है। मम्मी क्या 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 काफी बिजी लग रहे हो? हम दोनों आपकी डिस्कशन कब करेंगे?
अभी इसके बाद आज रिसेप्शन के बाद आपको बड़ी नई डिस्कशन दिखाने वाले हैं नए मेंबर के साथ। सब कुछ नया होने वाला है, सब कुछ नया होने वाला है। चलो ठीक है, हम आपको मिलवा रहे हैं लकी से। लकी मेरा भांजा है। लकी क्या हाल चाल है? तो ये है अंजू दीदी, आपका क्या हाल चाल है? ठीक ठाक। अभी मेरा भाई सेलिब्रिटी बन गया यार, मुझे समझ नहीं आती, पता नहीं कैसे सेलिब्रिटी बना देते हैं। वैसे मेरे को लगता था नहीं, और खाना खा लिया, बहुत अच्छा काम मेरे भाई का। ठीक है, और ये दीक्षा खाना खाया नहीं? अभी नहीं, अभी जस्ट पहुंचे। बाकी ये भाभी हैं, क्या हाल चला अभी? ठीक हो जी? फिलहाल आप देख रहे हो भीड़, और मेरे साथ मानिक। बिल्कुल ठीक हो? ठीक है। तू भी तुमने तो सुबह भी ये कपड़े पहने थे, तू तैयार हो गया आ गया था सुबह का? अच्छा चलो कोई नहीं, तो अभी क्या है कि कुछ खाने वाने का भी देखेंगे, जो भी ऐसी है। तो चलिए, तो क्या होता है यहाँ पे, क्या है कि ये जो है निंद्रा लिखना होता है, यहाँ भी दो बंदे बिठाने। अब मैं बैठ नहीं सकता, अगर मैं बैठ गया तो व्लॉग कौन शूट करेगा? यहाँ पे आप देख सकते हो, ये है विवेक जी, क्या चला? ठीक हो? और ये हनी भाई, ठीक हो जी? स्मॉल टाउन राइडर, काहे का स्मॉल टाउन राइडर है, बुरी हालत हो गई स्मॉल टाउन राइडर की। अभी एक तरफ और बच्चों की मूवमेंट एक साइड, सब देखते हो चैनल पक्का? किसी को कुछ बोलना बोलना, किसी को कुछ कुछ नहीं बोलना, सिर्फ वीडियो देखनी है। कीप सपोर्टिंग, ठीक है? बाय बाय कर दो कैमरे पे। चलो जी, दो बंदे हैं, ये दोनों एक ही प्रोफेशन के हैं, इसलिए इनकी अपनी डिस्कशन चल रही है। विवेक को पता भी नहीं है ये बच्चों का फ्यूचर है, वो संभाला हुआ है इन्होंने, इनसे तो आपको मिलवाया ही नहीं। ये है पूनम दीदी। पूनम दीदी क्या हाल चाल है? ठीक हो? तो उस दिन इनके साथ हमने जाके शॉपिंग की थी, जीजा जी ऊपर देख रहे हैं। जीजा जी हेलो तो बोलो कैमरे पे, और बताओ। हेलो। मसला ये है कि जीजा जी जो है वो बोर हो रहे हैं, आप ही बोलो जीजा जी की साइड चलिए, आप ही कवर करना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, तो बस यही सीन है, इसलिए साइड पे बैठे हुए हैं, तो मैं तो अपनी बातें कंटिन्यू कर ही रहा हूँ। हितेश भैया को हमने ना ये काम करने के लिए बिठा दिया, तो बड़े परेशान है बेचारे, क्योंकि इनको लग रहा है कि मैं बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहा हूँ और ये सारी चीजें मिस आउट कर रहे हैं। अगर इसमें थोड़ा सा फेरबदल हो जाए और पैसों का इधर उधर हो जाए, तो ये सारा हिसाब इनको अपने खाते से देना पड़ेगा। ठीक है, रेडी हो? बैंक में भी पेनल्टी भरनी पड़ती है, इधर भी भरनी पड़ेगी। अगर हम किसी का नाम नहीं लिखेंगे, पैसे जेब में डाल देंगे, वो हमारे हो जाएंगे। बस आधे एक घंटे तक क्या है कि काफी ज्यादा भीड़ रहती है, इसलिए दो जगह पे लिख रहे हैं बस, उसके बाद क्या। ओह क्योंकि देखो ये पढ़े लिखे लड़के हैं हमारे, और साहब इनको अच्छा आता है शूट करें। मामा जी आपने कहाँ व्लॉग डालना है? आपने भी कहीं व्लॉग डाला है? देखो कहीं तो कहीं डालूंगा, पता नहीं शूट कर रहे हैं कहीं ना कहीं तो डालेंगे। ये गट्टू, ये भी बहुत सारी मेरी वीडियोस, गट्टू का फैन बेस काफी, गट्टू बहुत खुश होता है तुम्हें। छोटा आकर्षित, आकर्षित है, ये दोनों कजन ही है। तो चलिए, मामा जी के साथ मेरी चोट पे चोट इतनी रहती है, फोन तो मैं इनका उठाता ही नहीं, आज सुबह ये बैठे हुए थे। सॉरी, कुछ बोलना चाहोगे? यार बस तेरा प्यार ही है, नहीं आपने खाया जब तक खाया तेरा प्यार जुड़ा रहे। अच्छा तो गाइस फिलहाल जो है आप देख रहे हो अपने बंदों को मैं ढूंढ रहा हूँ, दूल्हा दुल्हन यहाँ बैठे हैं, इनसे तो मैंने मिलवाया नहीं आपको। गाइस वेलकम बैक टू द चैनल, बैठ चुके हैं भैया और भाभी के बीच में, आप कुछ बोलना। मैं लिख के ये बताओ कि अच्छा कौन लग रहा है, भाभी लड़की लग रही है कि मैं लग रहा हूँ? मैं इधर ही बता देता हूँ, भाभी अच्छी दिख रही है ज्यादा। ओके, की शादी हो रही है अभी, तो कैसा लग रहा है? सारी दुनिया आपको देख रही है यार, सारी दुनिया का फोकस आप पे होता है, तो ऐसे थोड़े आपको अच्छा भी लगता है कि आप इम्पोर्टेंट हो काफी इस दुनिया में। हाँ, क्योंकि लेकिन कुछ वक्त के बाद वही चीज आपको काफी दुख भी देती है। नहीं नहीं, दुख के बारे में अभी नहीं बोलना है, दुख के बारे में टाइम के साथ ही पता चलेगा, लेकिन फिलहाल तो अभी। भाभी आप कुछ बोलना है? कुछ नहीं बोलना। सुरेश क्या हाल चाल है? रेगुलर देखते हो वीडियो, और बताओ कैसा 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 लग रहा है मेरे से मिलकर? अच्छा लग रहा है। अच्छा। चलो जी, कीप सपोर्टिंग ऑल, ठीक है? ओके ओके। क्या फुफा जी, फुफा जी नाराज चल रहे हैं क्या? फुफा कुछ बोले नहीं आप सुबह से अभी तक? बच्चे क्या बोलूं, यहाँ पे मैनेजमेंट जो था वो थोड़ा सा बिगड़ गया था। अच्छा। तो मैंने अब एकदम ओके करवा दिया, कर दिया ओके? हाँ, यस, नाउ अंडर कंट्रोल। क्या बात, एवरीथिंग इज अंडर कंट्रोल। और काश, बार बार एक ही मन में ख्याल आता है कि बाल अगर होते तो मैं भी ऐसे रखता। ऐसा ना लग रहा होगा, वीडियोस में भी आपको दिख रहा होगा कि बड़ा क्योस है मैं हर चीज इतनी जल्दी जल्दी में, लेकिन सच बताऊं तो मेरे को मजा आ रहा है। मेरे को ना बड़ी एक इंपॉर्टेंस ही फील हो रही है, छोटे बच्चे आ रहे हैं, मतलब यहाँ भी लोग वीडियोस देखते हैं, पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं, तो बड़ा मजा सा आ रहा है। बट क्या है कि मैं लड़के का भाई हूँ, तो मेरे पे रिस्पॉन्सिबिलिटीज बहुत होती है, बट मैं वैसे कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाला काम कर नहीं रहा हूँ, ठीक है? मैं सिर्फ अपनी वीडियो बना रहा हूँ। हाँ, तो कोई काम कर रहा है? नहीं कर रहा है, कर रहे हैं काम करो। और ये मानिक जी, मानिक जी भी कोई काम नहीं कर रहे हैं। और ये अर्णव, तू क्या पॉपकॉर्न लेके उधर फिरा था? अरे शादी में इतना कुछ बना और इसको ये खाने हैं? तो जी हमें हमारा एक क्यूट सब्सक्राइबर मिल गया, मानिक। मानिक क्या हाल चाल है? ठीक हो? रेगुलर देखते हो वीडियोस? सबसे फेवरेट गाड़ी कौन सी है आपकी? थार। कैसी है? बड़ी अच्छी है। चलो जी, कीप सपोर्टिंग, ठीक है? ओके बाय बाय। तो जी अभी ग्रुप फोटो सब खिंचवा रहे हैं, तो ये तो हमारी घर की एल्बम में ही दिखेंगे, ऐसे नहीं दिखेंगे। ये है अक्षय, क्या मेरे को कह रहा है मेरा फोटो लो और फोटो लेके डालना वीडियो में। हद हो गई भाई, प्रधानमंत्री बन जाता क्या? और बढ़िया सब, कीप सपोर्टिंग। तो गाइस जैसा कि मैंने आपको बताया अभी था, क्योंकि शादी का जब टाइम आ जाता था तो इतना बिजी हो गया, एक लिमिट तक मैं शूट कर पाया, उसके बाद मैं शूट कर ही नहीं पाया। तो अभी आपने भीड़ यहाँ पहले भी देखी होगी, अभी भी आप देख रहे हो, लगभग लगभग काम जो है खत्म हो चुका है। टाइम की अगर हम बात करें, 4 बज रहे हैं,
तो हमारे गांव में जो रिसेप्शन रहती है वो रहती है लगभग 3:30 बजे तक, और मेरे जो बंदे हैं वो अभी सुंदरबनी पहुंचे हैं, तो मैं जा रहा हूं उन्हीं को लेने। और मुझे नहीं पता कौन कौन आ रहा है, सिर्फ शोएब भाई से ही मेरी बात हो रही थी और रमन भैया से बात हो रही थी, और ये हमारे गिरधारी भैया। चलो रुक जाओ ना फिर देखिए आपकी शादी पे आएंगे। मेरी शादी पे? ये शादी पे इतना करमोल पड़ा, करमोल यू नो, इतना क्योस पड़ा कि मैं सोच रहा हूँ मैं शादी ऐसे ही कर लूंगा, एक रिसेप्शन दे दूंगा सबको, तो वही सही रहेगा। ठीक है, ठीक है। क्या विचार है आपका इसके बारे में? ऐसा कर लो, ठीक है, ऐसे ही कर लो आप, ऐसा ही कर लो। चलो आप खुद समझदार हैं। बड़े खराब हैं ये भी। मैं और दिवम जा रहे हैं हमारी दूल्हे वाली गाड़ी लेके। भाई जी आप तो रुक जाते। अच्छा ठीक ठीक, मैं आया बंदा अपने बंदों को लेकर। क्या कहना है, कुछ कहना है किसी का? बहुत एक्साइटेड हमसे मिलने के लिए, पहली बात। सबसे ज्यादा बोलने मैं ही बोलूंगा। रमन भैया, अक्षय भैया और पीछे बड़ा सेठ ठीक हो गई। इधर देखो आप, व्लॉगिंग व्लॉगिंग, पैसे पैसे पैसे। और शेर भाई ठीक हो? कोई नहीं, गाड़ी करो मैं घुमा के आता हूँ। और जमील भाई भी है, बस ठीक है ठीक है। किधर जा रहे हैं? बस इधर आप ही को लेने आता, लगाओ गाड़ी में आओ। टोटल 3 गाड़ियां अभी आई हैं, सीधा घर पे चल के इंट्रो करते हैं। पीछे आओ, यहाँ हम कहीं रुकेंगे, गाड़ियां वाड़ियां आ जाएंगी, तो सीधा मैं घर नहीं गया, यहीं पे रुका। बैठो गाड़ी के अंदर ही बैठो आप लोग कितनी देर। हाँ जी रमन भैया, भाई क्या हाल है? ठीक हो? भी आए हैं, थैंक यू सो मच। एंड गोमसी भाई, इनकी तबीयत सही नहीं थी तब भी आए। कैसी लगी जगह हमारी? भाई बहुत बढ़िया जी। इधर तो आप देख ही रहे हो। शोभी भाई क्या चले? ठीक हो? ठीक हो? थैंक यू सो मच। पुलकित भाई भी हैं पीछे, थैंक यू सो मच इतनी दूर से स्पेशली आने के लिए। मैं इसको नहीं बिठाऊंगा, तू अपनी गाड़ी में बैठेगा, तू ढोल की पोल। जील भाई थैंक यू सो मच आने के लिए, थैंक यू सो मच। ठीक है चलेगा? ओके ओके। हमारे सबसे स्पेशल गेस्ट है, क्योंकि बाकी सारों ने खाना जो है वैसे ही खाया होगा, लेकिन इनके लिए क्या की चेयर वेयर यहाँ लगा दी है, क्योंकि लेट काफी ज्यादा हो गया। उतरो भी अब बाहर, आपको नर्वस ना कराया तो हैंड ब्रेक अच्छे से लगाना, ठीक है? आ जाओ आ जाओ आ जाओ, कि यहाँ पे ना सब लोग ऐसे देखेंगे तो ये नर्वस हो जाएंगे, वही तो मैं चाहता हूँ। यस ये देखो, पहले पहुंचो फिर कार्ड निकालना, ऐसे पहले कार्ड निकाल दिया। तो जी फिलहाल क्या है कि सारे देखो कैसे बैठे हुए हैं, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्योंकि मैंने आते ही कैमरे पे इतना जोर दिया क्योंकि मेरा घर था तो मेरा कॉन्फिडेंस अच्छा था। अभी ना सिचुएशन ज्यादा ऑकवर्ड हो रही है, इसलिए अब खाना वाना खाएंगे। लाल चाम के साथ हमने शुरुआत कर दी है, कैसी बनी है? स्पॉन्सर पापा का सारा स्पॉन्सरशिप है, उसमें मैंने कोई कंट्रीब्यूशन नहीं किया है। यार एक तो इधर कोई मेरी बात मानता सुनता नहीं है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं, इन्होंने टेंट खोलना भी शुरू कर दी। मैंने इनको बोला हटाओ, पता नहीं कहीं हमें टेंट के नीचे ना दबा दे। सॉरी ये तो स्नैपचैट आई हुई है, इसको स्ट्रीक है। ओके तो गाइस ये आप देख रहे हो, शोएब भाई का नया फोन है, हम भी दिखा देते हैं 14 Pro Max। सुना ये मिलता नहीं है, खैर मेरा लेने का भी कोई प्लान था नहीं, बट ऐसे किसी ने कहा कि ये मिलता भी नहीं है 14 Pro Max, ओनली कितना 2.5 लाख? ढाई लाख? ये कितना है? 1 TB? चलो जी ठीक है, गुड शो। उनका देखो ना एक मिनट, रिकॉर्ड करने वाली चीज वो है ये। भाई साहब चलो माना ठीक है, पैसा है ठीक है। ये देखिए नया फोन लेके इसका ये दुख होता है देख के, कवर टेंपर भी नहीं लगाया आज तक। टेंपर लगाया भाई? टेंपर लगा हुआ है, टेंपर लगा हुआ है, अभी भी लगाया है। ईशान ने तो टेंपर भी लगाया। आपने लगाया सब कुछ? और वन बिन से पैसा कैसे कमाए? हमने ढोल वाले भैया को बुला दिया है, आ जाओ आ जाओ। टुडे आई गॉट अ वेरी खतरनाक बिजनेस। आपके नहीं भैया का? अच्छा तो भाई साहब ये देखो, अब मैं देख सोच लूंगा इसका क्या करना है। मुझे मेरा हो चुका है रुकने के लिए, मैंने बोला रुक नहीं रहे ये। नहीं रुकना आप लोगों ने? ओके बाय। अच्छा चलो कांग्रेट्स ब्रो, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। ठीक है ओके जी, ओके ठीक है ध्रुव भैया, ओके जी, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मिल नहीं पाए बट नहीं, वो भी वहीं पे खड़े थे वहीं पे। ठीक है ओके ओके ओके, ठीक है जमील भाई, ओके ओके भाई जी, ओके 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 ओके। तीन दिन से इतनी सुंदर सुंदर बनके घूम रही थी, आज शादी खत्म हुई है तो सब इधर क्या चक्कर है? मालकिन चक्कर खत्म। शादी हो चुकी है और सब लोग जा चुके हैं, फिर क्या है कि उसके बाद काम शाम क्या, फिर हर टाइम नहीं शूट कर सकते ना यार, शूट करने का भी कोई टाइम है, तो अभी बस गिनती है, कुछ लोग बच गए हैं। सौरभ अभी यहीं पे, सौरभ थैंक यू सो मच, सौरभ ने शादी में बहुत हेल्प करी है। दादू सो गए हैं और ये मौसी और मम्मी है। भाई मौसी कहाँ है? फिर से बोलो क्या बोल रहे थे आप? क्या है बहू आ गई? हाँ, ठीक है हाँ। और सब बढ़िया? कल सुबह मॉर्निंग में मिले फिर है ना?
अभी के लिए बाय। चलो जी ठीक ठीक नहीं पड़ गई शादी? बस ये मेरे को दोनों में उठा बस क्लास। और बताओ अब खाली इधर मैं ही रह गई हूँ, पीछे बाकी सब चले गए। चलो कोई नहीं, तो मासी आज रह गए हैं, बाकी सब चले गए। इन्होंने भी कल चले ही जाना है, वैसे कल तो मैंने भी चले जाना शायद। ठीक है शादी बिल्कुल मजा आ गया, बहुत मजा आया, बहू आ गई है। हाँ। चलो जी खत्म करते हैं आज के दिन को यहीं पे। अभी पापा और सारे बाहर बैठे हुए हैं और बाकी अब जम्मू जाके जो हमारे पेंडिंग काम है उन्हें भी करेंगे। तो बस यही था, शादी हो चुकी है। उम्मीद करते हैं वीडियोस आपको अच्छी लगी होंगी। और बहुत टाइम से मैं एक ऐसी जिंदगी जी रहा था जहाँ मैं इन सब चीजों से अलग हो चुका था और फाइनली मैं वापस आके बहुत अच्छा लगा। तो मिलते हैं आपसे कल फिर किसी नई वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर एंड कीप सपोर्टिंग।